उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचारियों पर रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई से गुरेज नहीं कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने सीएम धामी ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के सिद्धांत पर कार्य किया जाए। विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित इस ऐप का उद्घाटन करते हुए सीएम धामी ने आशा व्यक्त की है। सीएम ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई के मद्देनजर ऐप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाए और ऐप पर जो भी शिकायतें आती हैं उनका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए। यदि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है तो उसे स्कीम हेल्पलाइन एवं संबंधित विभाग को भेजा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई है उसके स्टेटस अपडेट की पूरी जानकारी उन्हें मिले। इस मौके पर सीएम ने सतर्कता विभाग के 2 इंस्पेक्टर को विवेचना करने के लिए टैबलेट भी दिए हैं और सीएम ने यह कहा है कि शीघ्र ही विभाग के अन्य कर्मिकों को भी टैबलेट दिए जाएंगे। संकल्प लिया है और यह हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि हम किसी कीमत पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपनी मुहिम जारी रखेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत देहरादून से जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल है, यहाँ पर एक ऐप की शुरुआत की जा रही है जिसमें सभी लोग अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। दिशा निर्देश यहाँ पर सीएम की ओर से तमाम अधिकारियों को दे दिए गए हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ मौजूदा सरकार काम करना चाहती है और इसी कड़ी में सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस विभाग की ओर से एक ऐप तैयार किया गया था जिस ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बकायदा लॉन्च कर दिया है। अब इस पर कोई भी व्यक्ति संबंधित अधिकारी संबंधित विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है और शिकायत दर्ज करने के साथ ही उसकी तमाम डिटेल्स गोपनीय रखी जाएगी और उसके बाद भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से सीएम की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर यहां पर नहीं शिकायतें सुनी जाती हैं तो उन पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ कार्रवाई भी की जाएगी अधिकारियों पर। और पूरा स्टेटस सीएम ने कहा है कि उन तक भी अपडेट रहना चाहिए कि किस तरह से क्रिया हो रही है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि इस ऐप पर जो भी शिकायत मिलेगी उसको विजिलेंस विभाग के जो डायरेक्टर हैं अमित सिन्हा वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग करने के साथ ही उस पर उचित निर्णय लेंगे, उचित कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है जो शिकायतकर्ता होगा उसको भी फॉलोअप दिया जाएगा कि किस दौर में या किस शिकायत पर कितने दिन में कहां पर मूवमेंट हुआ है और उस शिकायत पर क्या टीमें गठित की गई हैं और उस टीमों ने किस प्रकार काम किया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पूरी प्रक्रिया के तहत एक प्रोसीजर चलेगा और उसमें शिकायतकर्ता को गोपनीय रखते हुए तमाम जानकारी को साझा नहीं किया जाएगा, लेकिन जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में दोषी होंगे या पूरे प्रकरण में जिस तरीके से वो इन्वॉल्वमेंट उनका होगा उस पर उचित कार्रवाई सरकार स्तर से ली जाएगी और जो शिकायतें नीतिगत होंगी यानी वो विजिलेंस विभाग के दायरे में नहीं आएंगी उनको मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के जरिए शासन स्तर पर भेजा जाएगा और उसका भी फॉलोअप लेने के लिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसी नीति को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार की तरफ से जो विजिलेंस विभाग का जो ऐप है उसके जरिए भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे श्रीनिवास आपका इस पूरी जानकारी को।